हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ KCI के बारे में। KCI क्या है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज KCI? KCI का फुल फॉर्म होता है कैनल क्लब ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्योर ब्रीड डॉग्स। इट मींस कि सिर्फ प्योर ब्रीड डॉग्स के लिए साल 1978 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। प्योर ब्रीड्स मतलब जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, डॉबरमैन etc। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज KCI डू। तो KCI एग्जैक्टली करता क्या है? कैनल क्लब ऑफ इंडिया डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करता है। जैसे हम कोई भी बाइक, कार या फिर कोई भी प्रॉपर्टी एसेट खरीदते हैं तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रॉपर पेपर होता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, उसे कौन ऑन करता है, क्या डिटेल्स है उसकी, एवरीथिंग अबाउट द एसेट। तो वैसे ही डॉग्स में भी होता है, उसकी एक रजिस्ट्रेशन पेपर होती है, वो डॉग किस से बिलोंग करता है, किस ब्रीड का है, एवरीथिंग अबाउट डॉग। और उस सारे रिकॉर्ड्स को एक माइक्रोचिप के थ्रू डॉग में इंजेक्ट किया जाता है और उसमें उनके रिकॉर्ड होती है और उसके बाद भी आगे की फ्यूचर की रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड की जाती है। माइक्रोचिप कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे इंजेक्ट किया जाता है, वो मैं नहीं घरवाल सर बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह गरेवाल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि माइक्रोचिप क्या होती है। जो मेरे फ्रेंड KCI डॉग रखते हैं, रजिस्टर्ड डॉग रखते हैं, उनको ये मालूम है भली भांति ये क्या चीज़ होती है। तो मैं बताता हूँ पहले माइक्रोचिप होता कैसा है और कहाँ है। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और ये इस तरह की एक वायरल टाइप चीज़ होती है, इसके अंदर सिरिंज होती है। ये पीछे लॉक लगा होता है और इसको खोलने पर फिर आप इसको इसे इंजेक्ट करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको खोलोगे तो एक आपको काफ़ी हैवी मोटा ये सिरिंज टाइप दिखेगा। ये एक्चुअली इसके द्वारा ही वो ट्रांसप्लांट की जाती है। और माइक्रोचिप है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर यहाँ से। लेकिन पुराने टाइप के रेडियो टाइप होते हैं ना, उसमें जो कॉपर की वायरिंग है, उस तरह का एक छोटा सा मीटर है अंदर ट्रांसमीटर के। आप सिंपल भाषा यूज़ कर लो, ट्रांसमीटर है, आप देख पाओगे। ये एक्चुअली उनके पास, जैसे जब भी आप अपना डॉग KCI डॉग शो में लेकर जाते हो तो उनके पास एक जैसे मेटल डिटेक्टर होता है ना, अगर आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हो या किसी VIP फंक्शन में गए हो तो आपको नॉर्मली वहाँ वो चेक करते हैं हमें। तो लगभग वैसी एक मशीन होती है और ये डॉग के या तो गर्दन के पास या शोल्डर के पास इंजेक्ट, कहाँ अलग अलग तरीके, लेकिन बॉडी के ऊपर उपले पार्ट में ज़्यादातर होता है। और वो जब ऊपर से ऐसे स्लाइस करते हैं या आप ऐसे घुमाते हैं, सिंपल भाषा यूज़ कर लीजिए, तो वो इसको फिर वो रेडिएशन पकड़ती है और आपके डॉग का इसमें सब फीडअप करते हैं KCI वाले कि आपने कितने डॉग शो अटेंड किए हैं, अपने डॉग ने वहाँ उसको क्या क्या अचीवमेंट उसने हासिल की, उसकी टोटल हिस्ट्री। आई होप गरेवाल सर ने जो बताया आपको अच्छा लगा हो और माइक्रोचिप के बारे में और डिटेल में पता चला हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एक डॉग ब्रीड ऑन करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं। उसके मदर फादर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका डॉग ब्रीड भी ईजिली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपके नज़दीकी में जो भी ब्रीडर हो या फिर पेट शॉप ऑनर हो, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं KCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। डू सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्टिंग।